फ्रेंड, तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ और मैं खाना भी बना चुकी हूँ। तो जैसे कि मैं डाइट में खा रही हूँ भेलपूरी, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने प्याज टमाटर खीरा काट लिया है भेलपूरी के लिए, अनार छील लिया है और ये डाइट की भेलपूरी ले लिया। इन सबको मिक्स करके मैं इंजॉय करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। And the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me. तो फ्रेंड्स, ये रेडी है मेरा ब्रेकफास्ट, तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेते हैं। इसमें मुझे कोई भी नमक मसाला कुछ नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, जरूरत नहीं पड़ती डालने की क्योंकि ये वैसे ही टेस्टी है। And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? काफी लोगों ने मेरे से ना चटनी की रेसिपी मांगी है, तो मैं चटनी बना रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है बनाने का। मेरा जो तरीका है मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। धनिया और पुदीना ले लिया, इसको धो लिया, और साथ ही मैं ले लिया आंवला, कड़ी पत्ता, लहसुन और हरी मिर्च, और ये ले लिया दही। तो मैं दही डाल के चटनी पीसती हूँ और इसमें डाल दूँ नमक। मैं कोई पानी नहीं डालती, कोई नींबू नहीं डालती, क्योंकि नींबू से मेरे हस्बैंड का थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं दही की ही चटनी बनाती हूँ। तो बस इन सबको कर लेंगे ब्लेंड और चटनी हो जाएगी तैयार। सबसे पहले मैंने जार में डाल लिया दही, ताकि ये मतलब जो चटनी होती है, अगर हम तो पहले धनिया पुदीना डाल देंगे ऊपर दही, तो थोड़ी नीचे से जो ब्लेंड करने में दिक्कत होती है, और दही अगर नीचे होगी तो वो ईजिली ब्लेंड हो जाएगी। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं नमक। फ्रेंड्स, के साथ ही डाल दूंगी इसमें जीरा, और बाद में डाल दूंगी मैं सारे इंग्रेडिएंट्स। पर ये सभी कुछ धनिया पुदीना अदरक वदरक मतलब लहसुन जो भी मैंने लिया था आंवला सब इसमें डाल दिया, इसको कर देंगे हम ब्लेंड। देखिए मेरी चटनी तैयार हो चुकी है, इसमें मुझे पानी वगैरह किसी की जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए कर दिए चटनी को सर्व। आज मुझे पता है कि नाश्ते में क्या है। क्या है आज नाश्ते में? पकोड़े विद हरी चटनी, मीठी सोट एंड चाय। राखी गोयल, गुगू को भी बुला लो पकोड़ों के लिए। गुगे, गुगू, सिद्धिका, ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं उसको। मीठी सॉस लेके तू नहा रहा है या सो रहा है समझ नहीं आ रहा। मीठी सॉस भी है, मीठी सॉस भी सॉस, और बढ़िया स्वाद चाय होनी चाहिए एकदम, जैसे दो तीन दिन से जो जैसे दो तीन दिन से बन रही है। अपने आप बना लो अपनी चाय। जब से गुगू मैम आई है, ये दीवान तो हमने गुगू के नाम ही कर दिया। गुगू और गुल्लू, ये गुल्लू का बैग, ये गुगू का टॉय, पेंटी, हैंकी, सारा डाइपर, टिशू। बताओ हम बैठे तो कहाँ बैठे, यहाँ बैठे। स्वादिष्ट पकोड़े आ चुके हैं, मम्मी चाट मसाला भी पकड़ा देते। But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? मौसम फिर से लग रहा है खराब आ गया। फीवर फीवर सा लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। गुल्लू भी बीमार है, मौसम बदल रहा है, ये बारिश बेटाइम आ रही है ना इसकी वजह से। बताओ अप्रैल में बारिशें चल रही हैं यार, कमाल हो गया सीजन का भी। कच्चा है क्या ये बेसन? ये आए हैं रेडी शेडी होके स्मार्ट बन के। इसकी लिपस्टिक तो बड़ी सूट कर रही है तेरे ऊपर, और इनको करवाना फ्रेम। अब फ्रेम कराना है तो कितने फोटो वाले, कहीं पे भी चली जा स्कूटी उठा के फटाफट। बहन मैं स्कूटी नहीं चला सकती। किसने बोला? स्कूटी पे बैठ सकती, चला नहीं सकती बहन। उसका बैलेंस वगैरह मैं नहीं संभाल सकती ना अभी। वैसे मैं संभाल सकती हूँ, पर मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा अभी उसको। जा पैदल, पूछ ले फ्रेंड से, पूछ ले पैदल जा फिर। कि जब सी सेक्शन होता है तब कितने मंथ्स तक हम हैवी चीज नहीं चला सकते और ना उठा सकते। मुझे उठा, चलो प्रिया, किसी भी पैदल पैदल भी निकल जा फटाफट। मतलब चल, आई एम गिविंग यू ऑर्डर।
अभी नहा के शाम को चले, अभी चल शाम को चलेंगे और गुगु को लेके आ बेला। क्या करना है, कहाँ? इसके घर और क्यों? शास्त्री नगर। बाय गुगा, इन्होंने हमारा घर देख रहे हो कि कैसे फैला दिया गुगे ने। ये देखो जगह जगह इन्हीं का सामान है, ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो। पहले हमारे यहाँ कम फैलावट, और ये गुगु की नानी भी, चलो निकलो। बुखार हो गया मेरे को। तेरे लिए भी सबक है कि अब जब तू आएगी ना शादी करके, तो फिर पहले से ही तैयार रहे। बहन बी रेडी नीने नीने बोले माची आप भी ले दी लो। ये गुल्लू अब जगा हुआ क्यों है? जब इसका मन करे तब सोता ही है, जब हमें खेलना होता है तब तो ये सो रहा होता है। मैं सोच रही हूँ तू शादी कर ले। मैं भी सोच रही हूँ अक्टूबर से पहले पहले अपने ससुराल में रहे, है ना? सोचा तो मैंने भी यही है। फिर एक ढूंढ दो, अब सबके बेटाइम के काम कर। सुनो, एक ढूंढ दो जिसको खाना वाना भी बनाना आता हो। मेरे को ऐसा ढूंढना आता तो मैं अपना ही ना ढूंढ लेती। मम्मी अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने तो अपने माँ बाप को दे दी गालियाँ, अब देखते ना आप लोग क्या करते हो। अपने आप ढूंढ लो भैया, हमारे माँ बाप ने तो कार का ढूंढ लो। ये हालत हुई है, हम अपने आप ढूंढ लो। गाइस परमिशन मिल गई अपने आप ढूंढने की। बहन अब मिली है ना आपके बहन अब कोई समझ नहीं आते। ढूंढ दो आप जल्दी से अक्टूबर से पहले पहले। गाइस हम अपनी किचन विचन भी इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। हम आसपास घर देख रहे हैं, ये वाला घर पूछ किसी से कोई घर बताएंगे। हाँ हमारे एरिया में ही बता दो, आसपास सस्ते से रेंट का बढ़िया सा घर, राजधानी एमपी वगैरह में बता दो। रेंट सस्ता होना चाहिए और मकान, और हम अपना घर रेंट पे चढ़ा रहे हैं, एवन क्लास होना चाहिए क्योंकि अब हम सच में शिफ्ट कर रहे हैं। और जिसको हमारा घर चाहिए वो बता दो। हाँ किसी को हमारा घर रेंट पे चाहिए तो आ सकता है हमारे घर रेंट पे चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। और हम ऐसे वेल फर्निश्ड छोड़ के जाएंगे, नहीं नॉट पूरा फर्नीचर यहीं छोड़, बट हम ये फ्रिज छोड़ के जाएंगे। यहीं फ्रिज छोड़ के नहीं जाएंगे, फ्रिज छोड़ के जाएंगे, फ्रिज भी छोड़ के जाओ, फ्रिज ही छोड़ के जाएंगे क्योंकि बाकी चीजें तो इजीली उतर जाएंगी। फ्रिज उतरने में खराब हो जाएगा ना, नया फ्रिज है। ले लेंगे छोटा सा, बिना फ्रिज के काम चलाएंगे। हाँ ये भी छोटा ही पड़ता है तो छोटा ही ठीक है, ऊपर नीचे मांग लेंगे, दूध रखवा लेंगे ऊपर नीचे, आटा वाटा। वेल फर्निश्ड 20,000 रुपए में भाभी जी नहीं मिलेंगे मम्मी, ऊपर नीचे सुनो, वेल फर्निश्ड हम 20,000 रुपए में दे देते हैं। क्या पता मेरी जिठानी से कोई अच्छी मिल जाए, भाभी जी से ज्यादा आपकी जिठानी से अच्छी कोई मिल नहीं सकती। क्या पता वक्त का है ना मम्मी, कोई और बढ़िया सी भाभी। अच्छे तो सब अच्छे है, मैं अच्छी हूँ तो मेरे को अच्छी मिल जाएगी। तो क्या फिर हम उनसे मांग लिया करेंगे टमाटर प्याज, उनके यहाँ रखवा लेंगे अपने फ्रिज में। गिन के टमाटर रखवाऊंगी, गिन के उतरवा लूंगी। चल अब मैं नहाने जा रही, फिर इसका फोटो फ्रेम का काम, जो मैं तेरे को फोटो बोलती तेरी जीरू और गुगु की वो करा रही है। विल्ले दोनों विल्ले, हमें भी विल्ला समझा हुआ है। नहा तो रही हूँ, ये फोन चलाते चलाते नहा रही है बहन तू। गाइज मुझे भी फीवर सा लग रहा है, इसको मैं, अच्छा मैं कभी फीवर में भी दवाई नहीं खाती पता है तेरे को, अब खा रही हूँ। हाँ मम्मी दिखाओ, इधर दिखाओ क्या हुआ है तुम्हें, जाने वाली हो फॉरेन ट्रिप पे। सुनो भगवान की फॉरेन ट्रिप पे। चलो गाइज डोलो खाए हम भी, जाके रेस्ट नहीं करोगे आप भी ना। अरे मेरे से लेटर नहीं जाता अंदर, मैं यही लेटूंगी, लेट रही हूँ। यहाँ लेट जाओ। नहीं नहीं तुम बैठे, यहाँ लेट जाओ। बेचारी मेरी चाची, जीने दो यार थोड़ी जिंदगी उन्हें, हमने तो मना ही नहीं किया। करने दो अच्छे से, तेरा मेरा सफर जाए ना। पापा की दो रोटी पो देती तो मेरे को उठना था ना, पर तो मैं सो। मम्मी देखो मैं पापा की नहीं पो सकती, मैं अपनी 10 रोटी पो सकती हूँ, पर मैं चिलत्तर के लोगों का कुछ नहीं पो सकती। मेरे पैर गए, जो चिलत्तर करेगा मैं कुछ नहीं पो सकती, जो चिलत्तर नहीं करेगा मैं उसको 100 काम भी करूँ। मेरे पैर गए, दबाओ पैर। मेरी रोटी मत सेका करो, मैं खुद सेक लिया करूंगी, लाओ दबाओ। फिर बोलोगे बेटियों से हाथ नहीं लगवाने, मैं तो दबा दूं, मेरे तो बढ़िया मेरे को मजा आता है पैर दबाने में, लाओ दबाओ। पैर गुगे तेरे पैर, गुगे के पैर तो दबा ही सकती हूँ मैं।
हाँ बहुत मेहनत करी है, हाँ बहुत बहुत चली है, बहुत ऊपर नीचे के चक्कर काटे इसने, माँ के पैर दबाए औलादों के दबा रही हो। हाँ मम्मी देख रहे हो जमाना, एक दो बार दबाया तो मम्मी बोलती है कि लड़कियां पैर, माँ तो जाए तो ऊपर 10 बार जाए, औलादों की सेवा हो रही है। गुगु तेरी वजह से देख ले डांट पड़ रही है तेरी मम्मी को। हाँ पंजल लड़ा ले मछली। प्रिय बहन तू चमक रही है आज वैसे सारा क्लीन अप करा के। कौन सा क्लीन अप? इस लड़की ने क्या किया? बस इतना बता देती हूँ, क्लीन अप फेशियल कराया लड़की ने हमारी, चमक रहा है ना चेहरा। मैंने वैसे सच में चमक रहा है तेरा चेहरा बहुत, मेरे को तो तब से सुंदर लगी जा रही है। मेरा क्यों नहीं चमकता? मम्मी वो डायलॉग मारो जो आप मारते हो, तुम्हारे तुम्हारे उस पे तो कुत्ते भूत रहे हैं, तुम्हारे थोबड़ में तो कुत्ते भूत रहे हैं। इंडियन मॉम्स डायलॉग। ग्रीसलीन लगाने से ना काफी आराम है मुझे। मैंने नकुल को बोला था कि ग्रीसलीन ले ले, और मम्मी जो आप कल मेरे को फोन करके डांट रहे थे, पता है मेरे को कितनी तेज नींद आ रही थी, और नकुल मेरे को 100 बार कहने पे जबरदस्ती लेके गया था अपने साथ। तो तुझे कहना चाहिए था कि मम्मी को इनसोमिया बताया, मम्मी ने सोना है, तूने मेरे पर डायलॉग मार दिया सीधा। मेरे को बोला है आपने कि आपको इनसोमिया बताया है, और तूने ले करके आकर के जोर की दरवाजा मारा, साठा कोई दवाई लेके सो रहा हो ना, मम्मी गाली वो भी उठ के बैठ जाए। मेरी वैसी आंख नहीं लग रही थी, मुश्किल से मैं लेटी हूँ तो मम्मी अब घर शिफ्ट कर लो, 5-6 कमरों का, दूर दूर कमरों। भैया मेरे को तो वहां पर भी सुख नहीं होगा, साला 3 कमरों का खर्चा और काम और बढ़ जाएगा मेरी जान को। तो मैं कराऊंगी, आने वाली बहू भी तो आ रही है। अभी तो एक पोटा साफ करना पड़ता है, फिर 4 करने पड़ेंगे तुम लोगों की सब सीट। काम वाली भी नहीं करती है तो क्यों, वो करते है ना गुगु, तू ना मेरे से छिट जाएगा, मेरा खून मत ना चूसती है, कुं कुं कह के ऐ करके इंसान बीमार है, उसको सोने दो, बिल्कुल नानी हाउस आए हैं, मारनी पड़ेगी, नानी हाउस आए हैं, मोटे होके जाएंगे। नानियों को चाहे पतले कर करके जाओ, ऊपर पहुंचा तुम मोटे हो के जाओ। वैसे कभी ये लॉजिक तो हमने सोचा ही नहीं। बेचारी नानियों को डिस्टर्ब कर दो। हम याद है नानी के घर से कितना पिट के आते थे, 5 बजे मामा हमें कितना मारते थे, मार मार के उठाते थे, तरुण मामा लाते खींच खींच के, लाइटें लाइटें जलाते थे, पंखा बंद खींच खींच के नीचे डाल देते थे सबको, और पंखा बंद एसी बंद लाइटें खोल के चले जाते थे। जैसे मेरे वहाँ पे मेरे दादा भी है ना, जब मैं मामा के यहाँ रहने जाती थी तो वो उठ जाते थे 6:30 बजे, 6:30 बजे मेरे 2-4 चांटे मारते थे मुंह पे। हम मामा को दुकान जाने से पहले पहले हम सबको उठा के नाश्ते की टेबल पे बिठा के फिर जाते थे मामा। छोटा सा वो क्या करता था, सबके चप्पल जूते अपने मुंह पे रख देता था प्रथम। उसको इतनी पहचान थी कि ये बुआ के है, ये दीक्षा दीदी के है, जब हम सोते थे ना यहाँ रखे होते थे हम उठते थे। हाँ चप्पले सबकी। और उससे पूछो दादाजी का नाम क्या है, आपके बाबा का नाम क्या है, राम भरोसे खोए वाले, ऐसे बताता था। टपन रे जी ने कमेंट किया कि बेचारा एक ही गुगू है, सबको टाइम देना होता है, गुगू करे तो क्या करे। है मम्मी क्या करे बेचारा गुगू, तुम अपने आप की टेंशन लेती हो। कुछ नहीं करे, अपनी दादा के घर जाए। ओ गुगू तब यहाँ के लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। हम शास्त्री नगर से उठा लाएंगे गुगु को, स्कूटी पे, गाड़ी पे, हेलीकॉप्टर पे। स्कूटी गाड़ी की तो इतनी शौकीन है ये, बच्चों को मजा आता है, ऐसे हवा लगती है इसको, ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई हो इसको, है ना गुगु। अब आप जब नेक्स्ट टाइम आओ तो पापा को बोलना एक स्कूटी यहाँ भेजे, एक गाड़ी भेजे, फिर देखो डेली घुमाऊंगी मैं। ठीक है हो गए डन। गुगु ने कह दिया डन मासी, एक बाइक भी बुलेट चलाएंगे, दोनों घूमेंगे। बाइक नहीं, ठीक है डन हो गया, डन गुगु की तरफ से। पता 3:40 पे रेडी हो जाऊंगी, 3:40 पे रेडी हो गई हूँ, चल 3:40। प्रिया के शॉपिंग ही खत्म नहीं होती जब से आई है डेली मार्केट। तू कितनी बार लेके गई है मुझे बताइयो। एक भी बार नहीं, चल मेरा तो फीवर उतर गया डोलो लेते ही। मेरा नहीं उतरा चाची, जिसको हो उसका नहीं उतरेगा ना, जिसको नहीं है उसको तो उतरेगा। मेरे को था ये बैग, तू था ये बैग भी, इन लोगों की ड्यूटी ने मुझे मार दिया। और तेरे बच्चों को कुछ नहीं करेंगे कोई सी भी,
हम नहीं करेंगे ना, ये दोनों करेंगी बेटा व्लॉग में दिखाऊंगी करेंगी नहीं करेंगी। गाइस दीक्षा गोयल अक्टूबर से पहले पहले शादी के लिए हाँ कर दिया दीक्षा ने, अब एकदम बढ़िया बढ़िया लड़का सा ढूंढ दो मम्मी, ठीक है खाना बनाना सिखा दो मुझे तुझे। हाँ चलो यार तो पकड़ेगी सामान तो चलूंगी ना। हाँ चलो निकलो भाई निकलो, रेस्ट दे दो थोड़ा मुझे, नानी के पास छोड़ दे। ए मैं दूजा गुगु तो परेशान, एक तो बच्चों ने परेशान कर दिया है मुझे, पहले गुल्लू अब गुगु, फिर इतने में आशु का हो जाएगा, फिर दीक्षा का, फिर भावेश का, फिर नकुल का, अब सोनी का, फिर प्लान कर रही है, इतने में ये लोग सेकंड प्लान करेंगे। चल बाय कर दे नानी को, नानी बाय, शाम को आएंगे। उसको नानी से कोई मतलब नहीं है, उसको पता है बाहर जा रहे हैं। मार्केट आए हैं डिवाइडर बैग लेने, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चलो चलते हैं, और भाई बहुत खड़ी सी है। अच्छा ये वाला ले लूं फिर, ले लिया है डिवाइडर बैग और एक ले लिया है शॉर्ट्स वाला, कपड़े दोनों साइड में कपड़े वाला है, मैंने पहली बार देखा है, और ये जो कपड़े वाला है ये भी मुझे छोटा लग रहा है। तो गए के लिए कपड़े देखने, कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं यार बच्चों के। Don't plan a visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna